सिंधु नदी। वैसे तो नदियाँ सभी अपना अलग महत्व रखती हैं, पर ये नदी कुछ खास है। शिव के कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील से निकलती ये नदी एक समय पर बनाती थी हिंदुस्तान की वैदिक सभ्यता का पश्चिमी छोर, और जिसके नाम पर पड़ा इस देश और इसकी सभ्यता का नाम। हालांकि अब ये नदी हिंदुस्तान के थोड़े ही हिस्से में बहती है, पर यह हिस्सा दुनिया का बहुत ही अनूठा भाग है, और इसीलिए यहाँ पड़ते हैं कुछ बहुत ही अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे और खूबसूरत एवं ऐतिहासिक गांव। तो यात्रा करेंगे आज इसी नदी के साथ हिंदुस्तान में इसके एक कोने से दूसरे कोने तक, जो पड़ता है लद्दाख के डेमचौक से लद्दाख ही के बटालिक तक। हमने अपनी जर्नी शुरू करी ईस्ट लद्दाख के सबसे बड़े गांव हानले से। सनी मॉर्निंग इन हानले। ये चांगथान प्लेटू का ये एरिया अपने ग्रासलैंड्स के लिए फेमस है, बहुत ही खूबसूरत है। ये सामने है इंडिया की हाईएस्ट ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एंड दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट। ब्यूटीफुल प्लेस। इस टाइम भी स्नो कवर्ड पीक्स है हानले में, करीब 14,000 फीट पर है हम। तो हानले से हम निकले हैं टूवर्ड्स इंडस रिवर्स स्टार्टिंग पॉइंट इन इंडिया डेमचौक के लिए। दरअसल हानले पड़ता है चांगथांग प्लेटू में, जो है दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड प्लेटू, जिसका ज्यादा भाग तो तिब्बत में है, पर लद्दाख में भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन पड़ता है। ये जो रोड जिस पर हम ड्राइव कर रहे हैं टू डेमचौक फ्रॉम हानले, ये है दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड, एंड इस पर आता है ओमलिंगला। करीब 19,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का हाईएस्ट मोटरेबल रोड या हाईएस्ट मोटरेबल पास। ये रोड जो हमने हानले से ओमलिंगला के लिए ली थी, इसी भी जाती है डेमचौक। वहाँ पे डेमचौक इंडिया का बॉर्डर विलेज, ये आधा इंडिया में है आधा चाइना में, आफ्टर 1962 वॉर। डेमचौक से ही सिंधु नदी इंडिया की तरफ घूमती है। तो ये है ऑक्सीजन कैफे ओमलिंगला का। कई ऑक्सीमीटर्स ऑक्सीजनरेटर्स रखे हुए हैं, कई सारे, यू कैन सिट एंड टेक ऑक्सीजन्स। कुछ बेसिक मेडिसिंस भी रखी हुई हैं, वेरी नाइसली डन एक्चुअली, इन केस वन नीड्स इट वन कैन टेक, क्वाइट गुड। जनरेटर भी है टू रन दीज थिंग्स। ये ओमलिंगला का कैफेटेरिया, नाइस एंड कोजी। तो अब हम जा रहे हैं ओमलिंगला के दूसरी तरफ टुवर्ड्स डेमचौक। ये गांव लद्दाख में इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के बाद ये आधा इंडिया में है और आधा चाइना में। ओमलिंगला से उतरते ही करीब 5 किलोमीटर दूर है डेमचौक से, ये वाटर स्ट्रीम आ रही है सीधा ओमलिंगला से। दूर वहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रही होगी, इंडस नदी बह रही है जो डेमचौक से अंदर आती है। यही रोड ओमलिंगला से हम लेकर आए हैं, फैबुलस। सामने शायद कैलाश रेंज, क्योंकि लद्दाख रेंज को पीछे छोड़ा है, एंड देजांगला से स्टार्ट होती है ये। उत्तराखंड का अगर हम लिपु लेक क्रॉस करेंगे तो वहाँ तक जाती है ये रेंज। कैलाश रेंज की इन्हीं पहाड़ियों में पड़ता है द वेरी वेनरेबल कैलाश पर्वत एंड मानसरोवर लेक, इंडस रिवर का स्टार्टिंग पॉइंट। जोरावर सिंह ने इसी रास्ते से एक समय पर यहाँ से कैलाश पर्वत, मानसरोवर और टकलाकोट को डोगरा किंगडम में इंटीग्रेट किया था। इस सामने ये पहाड़ियाँ हैं चाइना की, इस सामने वहाँ से जूम करता हूँ तो वहाँ से वो है सिंधु नदी जो डेमचौक से इंडिया में एंटर करती है। सो तिब्बत के अलावा दिस इज द ओनली एरिया यू कैन ड्राइव सराउंडेड बाय दिस मैजेस्टिक एंड वेनरेबल रेंज। तो ये पहुंच गए हम डेमचौक के इस गांव में है ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड चार्डिंग नाला, जिसकी दूसरी तरफ है ये चाइना, जहां पर एक जोरावर सिंह फोर्ट भी है, नाउ कन्वर्टेड टू एन ऑब्जर्वेशन टावर बाय चाइना। तो यहीं से स्टार्ट करी हमने अपनी जर्नी इस नदी के अलोंग,
जहां इसका हिंदुस्तान में सफ़र स्टार्ट होता है। वैसे अब क्योंकि ये नदी यहां से इंडिया में एंटर करती है, तो यहां पर एक छोटा कैलाश पर्वत भी है, विच इज़ ऑल्सो एन एनुअल पिलग्रिमेज साइट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी अलॉन्ग दिस रिवर। ये रोड जो इस नदी के अलॉन्ग जा रही है, अभी ये कहलाती है फुक्शे डेमचौक रोड, और शुरू में इस रोड पर एलईसी के पैरेलल जाते हैं। इस रास्ते पर सबसे पहला मेजर गांव आता है कोयूल, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट विलेजेस। हालांकि विलेजेस पहाड़ों पर इतने स्प्रेड आउट होते हैं कि कौन सा हाईएस्ट है ये श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता, पर अगर कॉन्टोर लाइंस देखें तो कोयूल सीम्स टू बी राइट अप देयर विद करजोक एंड कॉमिक। और फिर आता है डुंगटी। डुंगटी से जस्ट आगे इंडस रिवर एक लेफ्ट टर्न लेती है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर इसने अपना मन बना लिया है टू डिसाइसिवली एंटर इनटू इंडिया। तो डुंगटी के बाद इंडस रोड आकर ज्वाइन करती है साकाला रोड को लोमा पर। वैसे लोमा पर ही सिंधु नदी मिलती है इंडिया में अपनी पहली मेजर ट्रिब्यूटरी हानले नदी से। ये रोड साकाला पास होते हुए खूबसूरत पेंगोंग लेक जाती है। एंड सो वी डिसाइडेड टू टेक आवर फर्स्ट डिटूर एंड स्पेंड द नाइट एट दिस ब्यूटीफुल लेक। रास्ते में कई स्पॉट्स हैं, बट सिंस इट वॉज गेटिंग लेट वी डिसाइडेड टू सी देम द नेक्स्ट डे। ब्यूटीफुल मॉर्निंग्स इन पेंगोंग। कल पूरी रात यहाँ बारिश होती रही, अभी भी क्लाउडी है इनफैक्ट। दोस क्लाउड कवर्स ओवर द माउंटेन्स, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एंड ये थे कैंप्स वेयर वी स्टेड लास्ट नाइट इन पेंगोंग। पेंगोंग का जो स्टार्टिंग का एरिया है उससे थोड़ा सा आगे आइए, सो यहाँ पे भीड़ बिल्कुल नहीं है। तो आज हम ऑन अ वेरी क्लाउडी डे निकले हैं पेंगोंग के आसपास साइट सीइंग करने, और हमारी पहली साइट होगी ठाकुंग के पास, जहाँ आता है पेंगोंग फिंगर्स का एरिया, और जहाँ से जाती है इंडिया चाइना के बीच एलएसी, फिंगर फोर के पीछे है चाइना एंड फिंगर 3, 2, 1 इंडिया के पोजीशन में है। फिर आया चुशूल का गांव, इस एरिया का सबसे बड़ा गांव, जहाँ है ये चुशूल वॉर मेमोरियल। ये एरिया एक हिस्टोरिकल बैटल ग्राउंड रहा है विद स्टोरीज ऑफ 3 फेमस बैटल्स। सबसे पहले बिटवीन लद्दाखीज एंड तिब्बतींस, दूसरी द लास्ट बैटल बिटवीन डोगराज एंड तिब्बतींस विच डोगराज वन, एंड उसके बाद साइन हुआ था डोगरा एंड तिब्बतीन पीस अकॉर्ड, और तीसरी की बात मैं अभी थोड़ी देर में करता हूँ। चुशूल के साथ ही पड़ता है ये स्पेंगूर गैप का फ्लैट सा एरिया, जहाँ से स्टार्ट होकर कैलाश रेंज लगभग लिपू लेक के करीब जाती है, एंड यहीं पर पेंगोंग लेक से आ रही एलएसी भी स्पेंगूर गैप होकर ही जाती है। तो 1962 की लड़ाई के बाद ये सामने की पहाड़ियाँ चाइना के पास है, जो यहाँ से सिर्फ 500 मीटर ही दूर होंगी। एंड देर इज ऑल्सो अ लेक हेयर कॉल्ड स्पेंगूर सो, जो इन पहाड़ियों के पीछे है विद चाइना। स्पेंगूर गैप के बाद आया रेजांगला वॉर मेमोरियल। ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है उन सोल्जर्स की याद में हु इन 1962 वॉर विद चाइना फॉट लिटरली टिल द लास्ट मैन एंड द लास्ट बुलेट, और यही है चुशूल सेक्टर में लड़ी गई तीसरी मेजर बैटल। ये सीधे सामने ये अहिर धाम 1962 की वॉर में हमारे 14 सोल्जर्स डाइड डिफेंडिंग रेजांगला, उनकी याद में बनाया हुआ। यहाँ पे 13 सोल्जर्स वर क्रिमेटेड, इस तरह का एक कैफेटेरिया शॉट सा, एंड सामने है रेजांगला म्यूजियम। दरअसल ये एरिया पेंगोंग लेक के साउथ में पड़ता है एंड रिलेटिवली फ्लैट है, पर यहाँ कैलाश रेंज की पहाड़ियाँ इस एरिया को एक नेचुरल डिफेंस देती हैं। इन पहाड़ियों को क्रॉस करके यहाँ पहुँचने के लिए है रेजांगला माउंटेन पास, और इस क्रिटिकल पास को डिफेंड करते हुए 1962 की इंडिया चाइना वॉर में हेविली आउटनंबर्ड एंड आउटगन्ड 120 में से 114 ब्रेव इंडियन सोल्जर्स फॉर मार्टर्ड, ये मेमोरियल बना हुआ है ठीक रेजांगला के सामने। अब सिंस द वेदर वॉज क्लाउडी थ्रू आउट द डे एंड वी वर नॉट एबल टू विटनेस पेंगोंग लेक इन इट्स फुल कलर्स, वी डिसाइडेड टू स्टे फॉर वन मोर डे। लकीली अगले दिन मौसम खुला, धूप निकली एंड पेंगोंग लेक शोन इन इट्स फुल कलर्स।
इन खूबसूरत नज़ारों को छोड़ निकले हम वापस और खूबसूरत नज़ारों के लिए। सकाला पास क्रॉस करके आया ठांगड़ा का गांव, जहां वापस ज्वाइन करा इंडस रिवर को, एंड लोमा चेक पोस्ट, जहां वापस ज्वाइन करा इंडस रिवर रोड को, और सीधे पहुंचे अपने अगले मेजर गांव न्योमा। काफ़ी डिसेंट साइज गांव है न्योमा। यहां एक एटीएम भी मिला टू गेट सम कैश। फिर पता चला कि पास ही में दो खूबसूरत लेक्स हैं। अब इसके लिए एक डीटूर लेना पड़ेगा एंड शायद अपने आज के टारगेट चुमाथांग तक टाइमली ना पहुंच पाए। पर फिर सोचा, दैट्स व्हाट वी केम फॉर, टू एक्सप्लोर। तो न्यूमा से एक ऑफ रोड ली। पहले आया निदर। दरअसल इंडस रिवर का ये रीजन जहां हम ट्रेवल कर रहे हैं पड़ता है इंडस सैंगपो स्यूटोर जोन में। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो यहां इंडियन और तिब्बतन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जॉइंट हैं, जिनके कोलिजन से ही बनी है ये हिमालयन और ट्रांस हिमालयन रेंजेस। एंड ये दोनों प्लेट्स आपस में इतनी अलग हैं कि इट्स लाइक टू वर्ल्ड्स मीटिंग। और निदर में इसकी एक झलक देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग सेडिमेंट्स एंड रॉक्स। तो अपने इंडस रिवर के इस सेकेंड डिटूर में धीरे धीरे वी स्टार्टेड सीइंग द वंडर्स ऑफ दिस यूनिक जियोग्राफिकल फिनोमिनन बिटवीन विच दिस माइटी रिवर फ्लोज एंड वी वर ड्राइविंग थ्रू द मिडल ऑफ इट। फिर एक हाई माउंटेन पास थित्सर बोला पार करके आई दो खूबसूरत लेक्स, चिलिंगसो एंड वे लेक रुल्सो। फैबुलस ग्रासलैंड्स, एक और ये सामने की पहाड़ी जिसके पीछे है फेयर लेक क्विल्सो। क्विन लेक्स छोटी लेक्स हैं बट वेरी सीनिक, ब्यूटीफुल हाई ऑल्टीट्यूड ग्रासलैंड्स। यहाँ पर पहुंचकर लगा कि अब चुमाथांग पहुंचने में तो टाइम लग जाएगा, तो इसी रास्ते पर आगे बढ़े और आया एक और हाई माउंटेन पास, सलसला पास है ये। ब्यूटीफुल साइट, 300 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर, ब्यूटीफुल साइट। सामने स्नो कवर्ड पीक्स एंड पीछे वो जो माउंटेन रेंज है वो चाइना की है, और उसके पीछे एक पहाड़ है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज ऑफ क्लाउड्स, वो काफ़ी सिमिलर दिखता है कैलाश पर्वत से। फैबुलस साइट, ब्यूटीफुल। देन ज्वाइन किया एक इंडियन तिब्बत बॉर्डर के पास के गांव चुमूर से आ रही रोड को, और फिर पार किया एक और हाई माउंटेन पास, चारचंगला पास। Fabulous drive, fabulous roads, and what a sight! Beautiful. Charchangla se just aage dikhai diya paradise. Hum pahunch gaye the khubsurat Somurari Lake ke south end par. Yahan se kareeb 35 kilometer ki drive kari, which I can say was one of the most scenic drives. एंड पहुंच गए सोमुररी के नॉर्दर्न एंड पर एट करजोक में। ये इंडिया का दूसरा है, तीसरा हाईएस्ट विलेज है। वहां सामने है ब्यूटीफुल सोमुररी लेक, हॉर्सेस ग्रेजिंग ओवर देयर। यहां पे मेनली गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट्स, होम स्टेज हैंगे। पीछे की तरफ कुछ एक गांव भी दिखाई दे रहे हैं, हाउसेस भी दिखाई दे रहे हैं। वेरी नाइस ब्यूटीफुल प्लेस एंड द राइड टू सोमुररी वॉज अमेजिंग। 40 किलोमीटर की ड्राइव अलॉन्ग दिस ब्यूटीफुल लेक वॉज सुपर्ब। ये सब कैंप्स इस तरफ, वेरी नाइस। आज रात यहीं पर स्पेंड करने का प्लान किया। सोमुररी की लेक बहुत ही खूबसूरत है और ये हर मौसम में रंग बदलती है। अगले दिन वी स्टार्टेड अगेन फ्रॉम सोमुररी, दिस टाइम टेकिंग अ डिफरेंट रूट वीआ अनदर हाई माउंटेन पास क्यागरला, जहां आई एक और छोटी पर खूबसूरत लेक क्यागरसो। यहां से थोड़ा आगे आया एक नेचुरल वंडर पुगा हॉट स्प्रिंग्स। इसमें रहने देते हैं। वाओ, ब्यूटीफुल, पूरा स्नो आसपास, सामने ये हॉट वाटर राइट इन फ्रंट एंड आसपास कंप्लीट स्नो। इंडस रिवर के आसपास इस जोन में कई हॉट स्प्रिंग्स मिल जाएंगे। एस जैसा मैंने बोला था, ये वही रीजन है जहां इंडियन एंड यूरेशियन या तिब्बतन प्लेट्स जॉइंट है एंड स्टिल साइज़मिकली एक्टिव। और इसीलिए जब हमने वापस माहे पर जॉइन किया इंडस रिवर रोड को
तो इसके थोड़े आगे आया एक और खूबसूरत बट अलग तरह का हॉट स्प्रिंग, चुमाथांग, हानले के रास्ते, ले से हानले के रास्ते पर। और ये जगह फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग्स के लिए, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। तो ये है द ब्यूटीफुल चुमाथांग हॉट वाटर स्प्रिंग्स ले से हानले के रास्ते पर अलॉन्ग द इंडस वैली। देयर इज आइस ऑन द साइड्स एंड यहाँ से निकल रहा है हॉट वाटर, सो अमेजिंग। दिस इज ऑल आइस एंड यहाँ पे ये है हॉट वाटर, क्या बात है, वंडर्स ऑफ नेचर, अमेजिंग। अब थोड़ी सी हमने अपनी पेस बढ़ाई एस हमें आज शाम तक ले पहुंचना था एंड रास्ते में सिर्फ कुछ छोटे विलेजेस ही थे। वैसे विंटर्स में यहाँ के नज़ारे कम्प्लीटली बदल जाते हैं एंड द इंडस रिवर हेयर इज कम्प्लीटली फ्रोजन। थोड़ा ड्राइव करके आया उपशी जहाँ है एक चेक पोस्ट एंड यहाँ से इंडस रिवर रोड को ज्वाइन करती है मनाली से आ रहा ले मनाली हाईवे, तो ये रोड नेशनल हाईवे 3 बन जाती है। उपशी से इंडस रिवर वैली काफ़ी वाइड होने लगती है एंड ये एरिया इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ लद्दाख। असेंशली इंडस रिवर अब ईस्ट लद्दाख से सेंट्रल लद्दाख में पहुंच गई है जहां पड़ती है लेह की कैपिटल सिटी। सेंट्रल लद्दाख रीजन को दो डिस्टिंक्ट ट्रांस हिमालयन रेंजेस सराउंड करती हैं, लद्दाख रेंज इन द नॉर्थ एंड ज़ंस्कार इन द साउथ, मेकिंग दिस रिवर वैली वाइडर हेयर। उपशी से लेह के रास्ते पर कई इंपॉर्टेंट टाउन्स आते हैं। पहला आता है कारू जहाँ से एक डिफरेंट रास्ता जाता है टू द ब्यूटीफुल पैंगोंग लेक और दूसरा टू लद्दाख लार्जेस्ट मोनेस्ट्री हेमिस्की। आगे इंडस रिवर के अलोंग स्तखना की खूबसूरत मोनेस्ट्री एक तरफ एंड दूसरी तरफ माठो की मोनेस्ट्री, फिर थिक्से की मोनेस्ट्री जहाँ लद्दाख में बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा है मैत्रेय बुद्ध की फॉर्म में, एंड देन कम्स शे जो लद्दाख की सबसे पुरानी कैपिटल थी ऑन रिकॉर्ड एंड जहाँ है एक एंशियंट शे पैलेस एंड मोनेस्ट्री विच हैज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टैच्यू ऑफ बुद्धा इन लद्दाख इन फॉर्म ऑफ शक्यामुनि बुद्ध। फाइनली इवनिंग को पहुंच गए हम लेह के अपने होटल में। नेक्स्ट डे लेह की मार्केट घूमी एंड लेह की थोड़ी लोकल साइट सीइंग करी। लेह को एज अ कैपिटल एस्टेब्लिश किया था सेंगे नामग्याल ने, हु इज द मोस्ट फेमस किंग ऑफ लद्दाख। उनके अंडर लद्दाख किंगडम वॉज एट इट्स जेनिथ। सेंगे नामग्याल की लद्दाखी हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस इसी बात से पता चलती है कि लेह की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉसिंग पर जो प्रतिमा है वो उन्हीं की है। नेक्स्ट एक दो दिन और लेह में रुकने का मन तो था पर एस्केड्यूल वॉज टाइट, सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम निकले अगेन अलॉन्ग द इंडस रिवर। अब लद्दाख का ऑल्टीट्यूड ऑन एन एवरेज अलॉन्ग द इंडस रिवर वैली ईस्ट से वेस्ट डिक्रीज करता है एज वी आर गोइंग डाउन स्ट्रीम अलॉन्ग दिस रिवर एंड ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई द लोअर चैनल ऑफ दिस रिवर इन लद्दाख इज मोर हेविली पॉपुलेटेड। तो अब हमारी इंडस रोड बन चुकी थी नेशनल हाईवे 1 जो जाता है लेह से श्रीनगर तक। इस रीजन में सिविलाइजेशन कितनी एंशेंट है ये हमें धीरे धीरे समझ आने लगा जब हम पहुंचे स्पितुक की लगभग 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री, फिर आई लेह यूनिवर्सिटी, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, मैग्नेटिक हिल एंड द ब्यूटीफुल संगम पॉइंट जहां लद्दाख की दो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां इंडस एंड ज़ंस्कार का कॉन्फ्लुएंस होता है। आगे आया बास्को का टाउन, ये भी लेह से पहले लद्दाख की कैपिटल रह चुकी है एंड यहाँ है ये एक एंशियंट मोनेस्ट्री एंड कैसल। बास्को के बाद अगेन इंडस रिवर वैली नैरो होने लगती है, फिर आता है सस्पॉल जहाँ है कुछ 2000 साल पुरानी केव पेंटिंग्स एंड अलची जहाँ अगेन एक 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री है बिल्ट बाय बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम तिब्बत रिनछेन झांगपो। इन्होंने वैसे लद्दाख के अलावा किन्नौर और स्पीति में भी कई मोनेस्ट्री बनवाई हैं। ये सब देखकर रिइंफोर्स हुई हमारी परसेप्शन कि इंडस रिवर के अलोंग एंशियंट सिविलाइजेशन एक्सटेंड करती थी समुद्र से हिमालय और ट्रांस हिमालय तक। एंड इसके बाद हम निकले हैं लेह से, जा रहे हैं टू वेस्ट लद्दाख आर्यन वैली की तरफ। अभी हमें श्रीनगर लेह हाईवे पर सस्पॉल से थोड़ा आगे इस रेस्टोरेंट पे लिया था ब्रेक। आर्यन वैली वेस्ट लद्दाख में पड़ती है गिलगित बल्तिस्तान के बॉर्डर पे बटालिक सेक्टर के अंदर आती है जहाँ पे विलेजेस हैं दा, हानू,
भीमा, उनमें से कुछ विलेज एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं आगे। ससपॉल से थोड़ा आगे चलते ही दिखा राइजोंग का माइलस्टोन। अब इसके बारे में पढ़ा तो था, तो क्यूरियोसिटी हुई देखने की, एंड सो इसकी तरफ ड्राइव किया। पहाड़ों के बीच में छुपी क्या जगह थी ये? तो श्रीनगर ले हाईवे से 6 किलोमीटर अंदर यह है राइजोंग। ले से पहले ये थी लद्दाख की कैपिटल, एंड यह है वहाँ की एक मोनेस्ट्री। हम मोनेस्ट्री के अंदर जाते हैं, ऑफ कोर्स अंदर फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं होगी, बट अ वेरी सिक्लूडेड प्लेस, नाइसली हिडन विद इन द माउंटेन्स। पहाड़ों के बीच में छुपी इस जगह पर 1200 साल पहले वन ऑफ द बिगेस्ट बुद्धिस्ट महागुरु पद्मासंभवा ने मेडिटेशन करी थी। NH1 पर कंटिन्यू करते हुए फिर आए खलसे और खलसी के टाउन्स। खलसी से इंडस रिवर नेशनल हाईवे 1 को छोड़ती है, एंड यहाँ पर यपोला रिवर इंडस रिवर से आकर मिलती है। हमने यहाँ से थोड़ा सा डिटूर लिया टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल एंड एंशिएंट लामा यूरू की मॉनेस्ट्री 3500 मीटर की ऑल्टीट्यूड पर। ये जा रहा है श्रीनगर ले हाईवे फोटुला माउंटेन पास से उतर, फिर करीब 15 किलोमीटर उतर के आती है लामा यूरू की मॉनेस्ट्री। ऐसी मान्यता है कि ये जो वैली है लामा यूरू की, ये पहले एक लेक हुआ करती थी विच गॉट ड्रेन्ड आउट एंड फिर ये शहर बसा। वैसे इस शहर को मून लैंड भी बोला जाता है। आफ्टर दिस वापस ज्वाइन किया इंडस रिवर रोड को, एंड आगे चल के एंटर किया द एनिग्मैटिक एंड ब्यूटीफुल आर्यन वैली में। अब इसका नाम आर्यन वैली कैसे पड़ा इसकी बात कभी और करेंगे, बट यहाँ का टेरेन अगेन इज क्वाइट डिफरेंट टू दैट ऑफ ईस्टर्न एंड सेंट्रल लद्दाख। यहाँ पर कई पॉइंट पर इंडस वैली काफी नैरो होने लगती है। इस रास्ते पर सबसे पहला विलेज आया ताकामाशिक, पर हम रुके एट दमखर, जहाँ लगभग 5000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स कॉल्ड पेट्रोग्लिफ्स को देखकर दंग रह गए। आर्यन वैली अपने एप्रिकॉट्स के फार्म्स के लिए काफी फेमस है, जिसकी झलक हमें देखी अपने रास्ते के आगे के गांव में, जो थे दरगू, अचिनाथांग और हानू। हानू में थोड़ी सी देर रुके टू सी अ स्मॉल आर्यन वैली म्यूजियम, एंड देन पहुंच गए अपने होटल इन था विलेज वेस्ट लद्दाख के अंदर। ये है आर्यन वैली। ये कार होती है बाय दिस ब्यूटीफुल एंड फास्ट फ्लोइंग सिंधु नदी या इंडस रिवर। ये एरिया आता है बेटालिक सेक्टर में। ये नदी यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान में एंटर करती है। तो आज का प्लान था आर्यन वैली के एक दो पॉइंट्स को एक्सप्लोर करने का। बेसिकली आर्यन वैली से 3 रोड्स नेशनल हाईवे 1 को कनेक्ट करती हैं। एक छोटी रोड है दरगू से, जो हमने कल पास करी थी, दूसरी आगे बटालिक से, जो हम कल जाएंगे, और तीसरी यहीं धा विलेज के पास से। यहाँ पर हमने एक्सप्लोर किया गरकोन, जहाँ है एक खूबसूरत वाटरफॉल एंड मोनेस्ट्री, एंड चिकतन, जहाँ एक ब्यूटीफुल एंशियंट फोर्ट है। नेक्स्ट डे हम निकले आगे एंड पहुंचे अपने आर्यन वैली के लास्ट विलेज बटालिक। यहाँ पर इंडस रिवर, जो डेमचौक से लद्दाख में एंटर हुई थी, लद्दाख को छोड़कर गिलगित बल्तिस्तान में एंटर करती है, और हमने भी अपनी रिटर्न जर्नी पकड़ी। बट दिस टाइम हमने बटालिक से कनेक्टिंग रोड ली टू कारगिल विया हम बोटिंगला माउंटेन पास। रास्ते में पड़ी एक और खूबसूरत स्मॉल लेक। कारगिल में एक नाइट स्पेंड करी, एंड देन नेक्स्ट डे जो जिला होते हुए श्रीनगर पहुंच गए, एंड देन वी रिटर्न बैक ब्रिंगिंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी टू एन एंड, जहां हमारी कांस्टेंट कंपेनियन थी सिंधु नदी, हुज वाटर्स आर परहैप्स एज ओल्ड एज टाइम।